इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। जो पहले के वीडियो को नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशन बहुत ही आसान और समझने वाला चैप्टर है। अगर आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको थ्री डायमेंशन बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सारे में आप लोग का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन नहीं आएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं कि दो लाइन अगर दिया हुआ है तो दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, और अगर लाइन का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, या दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, या दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, या दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, कैसे चेक करेंगे और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए कंसेप्ट में क्या होता है कि आप लोग का दो लाइन इस तरह से दे सकता है। मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, ए और बी। अब इसका कोऑर्डिनेट आपको दे सकता है एक्स वन वाई वन और जेड वन, और बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और जेड टू। ए बी लाइन हो गया। अब कोई दूसरा लाइन है सी और डी, अब इसका है कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, और डी का कोऑर्डिनेट उसी तरह से एक्स फोर वाई फोर और जेड फोर, यानी दो लाइन का इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे सकता है, या फिर इसी का आपको दे सकता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज ए वन बी वन एंड सी वन। किस लाइन का है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे सकता है, ठीक है, या इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे सकता है। यानी एल वन एम वन और एल वन, ये वैल्यू ध्यान रखिएगा किसका दिया हुआ है, इस लाइन का, किसका, ए बी का, और डायरेक्शन कोसाइन उसी लाइन का दिया हुआ है क्या, ए बी का। यानी क्वेश्चन में आप लोग का या तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लाइन का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, या उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रह सकता है। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसके लास्ट क्लास में आप लोग सीखे हैं कि अगर इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस लाइन का हम लोग डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी ए वन बी वन और सी वन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ए वन और बी वन और सी वन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसी के हेल्प से हम लोग एल वन एम वन और एन वन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका वीडियो पीछे बना हुआ है, आप देख सकते हैं जो नहीं वीडियो को देखे हैं। यानी हमारे पास कंफ्यूजन का तीन कारण है। हम तो पढ़ते थे कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहना चाहिए, फिर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है
तो ये रेशियो दे दिया है। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, यानी आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब उससे डायरेक्शन रेशियो आप खुद निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारा सी डी का हो गया, क्या सी डी का ये इस लाइन का, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी, ये जो लाइन आप लोग का है यानी ये डायरेक्शन, तो इसका जब हम यहाँ पर ए वन बी वन और सी वन लिए हैं तो दूसरे लाइन का हम लोग यहाँ पर ले लेंगे ए टू बी टू एंड सी टू, ठीक है। और जब हम डायरेक्शन रेशियो ए वन बी टू ए टू बी टू और सी टू लिए हैं, जिसी तरह से हम लोग इसका डायरेक्शन कोसाइन भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा एम टू और एंड एन टू, यानी ये किस लाइन का हो गया आपका सी डी का हो गया लाइन सी डी, और ये डायरेक्शन रेशियो किसका हो गया ये भी इसी लाइन का हो गया सी डी का। कहने का मतलब है कि जब आप एंगल निकालने के लिए देगा तो वहां पर दोनों लाइन का एंड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दे सकता है, पहला कंसेप्ट। अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो क्या दे सकता है, डायरेक्शन रेशियो दोनों लाइन का दे सकता है। अगर कोऑर्डिनेट देगा तो इस तरह से आपको चार कोऑर्डिनेट देगा, है ना, यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, यानी दोनों लाइन का एंड पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दे देगा। स्टेप सेकंड, कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो दोनों लाइन पे कोऑर्डिनेट, तो दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो क्या दे सकता है, तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया दे सकता है, ये दे सकता है और ये दे सकता है। क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट दे सकता है, पहला कांसेप्ट। अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। दूसरा, दोनों लाइन का कोऑर्डिनेट एक पॉइंट पर कोऑर्डिनेट का देकर क्या कर सकता है, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे सकता है और पूछ सकता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कीजिए। तीसरा कंसेप्ट है कि डायरेक्शन कोऑर्डिनेट ना दे, डायरेक्शन रेशियो नहीं दे तो क्या दे सकता है, डायरेक्शन कोसाइन दे सकता है दोनों लाइन का। यानी यहां पर से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि तीनों में से कोई भी आपको दे सकता है। अब तीनों में से कोई भी देगा तो हाउ यू विल फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस या रिलेशन बिटवीन द टू लाइंस, जिसका फॉर्मूला इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां से अरेंज करते हैं एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए फिर से एक बार हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मान लेते हैं ए बी ए वन बी वन और सी वन डायरेक्शन रेशियो हो गया, उसी तरह से एल वन एम वन और एन वन, ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो और ये हमारा क्या हो गया यानी ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो ये दोनों आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम नहीं लिए। अब दूसरा लाइन आप लोग का है सी और डी, सी और डी, तो इसका मान लेते हैं कि ए टू बी टू और सी टू, और इसका हमारा हो जाएगा एल टू एम टू और एन, ये भी आप लोग का है, ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन और ये आपका क्या हो गया डायरेक्शन ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी तीन में से कोई भी दिया हुआ रह सकता है, दोनों लाइन का या तो डायरेक्शन रेशियो दिया है या दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। अगर ये दोनों नहीं देता है तो दोनों लाइन का एंड पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो आप दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं
जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं। अब होता है कि अब ये दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, यानी दोनों के बीच में हमारा क्या एंगल है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू एल वन डॉट एम टू प्लस एम वन डॉट एम टू प्लस एल वन डॉट एम टू, यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो लाइन का कोऑर्डिनेट से आप लोग दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें दो स्पेशल केस है, ये तो cos थीटा है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि दो लाइन का कोऑर्डिनेट दे दे, डायरेक्शन रेशियो दे दे या डायरेक्शन कोसाइन दे दे, और पूछे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, यानी एल वन परपेंडिकुलर टू एल टू का होगा, जब यहां पर से एल वन डॉट एल टू प्लस एम वन डॉट एम टू प्लस एल वन डॉट एम टू इक्वल टू क्या है, जीरो। अगर यहां पर से सारे का प्रोडक्ट करके सम करते हैं और वैल्यू जीरो आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। यानी परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्या हो गया कि दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन आपको पता होना चाहिए, और दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो आपका क्या हो जाएगा, और उसका वैल्यू जीरो आ जाए तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। या फिर पैरेलल करने के लिए हमको चेक करना चाहिए दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है या नहीं, यानी एल वन पैरेलल एल टू है या नहीं। तो यहाँ पर पैरेलल चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है आप लोग को, एल वन डिवाइडेड बाई एल टू इक्वल टू एम वन डिवाइडेड बाई एम टू इक्वल टू एल वन डिवाइडेड बाई एल टू, तीनों का वैल्यू रेशियो फाइंड आउट कीजिए। अगर तीनों का रेशियो इक्वल आता है इसका मतलब है कि वो दोनों हमारा लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो यहाँ पर तो कंसेप्ट हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमारा डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है सिर्फ डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं फाइंड आउट करना है, तब भी हम लोग वो दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, देखिए cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा ए वन डॉट ए टू प्लस बी वन डॉट बी टू प्लस सी वन डॉट सी टू, यानी जो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ऊपर में आपका न्यूमरेटर में क्या होगा सारे का प्रोडक्ट करके सम करेंगे, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर, और इसी तरह से सेकंड लाइन का ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला के थ्रू एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया हुआ है, लाइन का सिर्फ क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करके डायरेक्शन यानी दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं है किसी कारण से भूल गए तो आप कैसे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन निकालते हैं ये पहले सीख चुके हैं, तो आप इसका यूज कर भी सकते हैं या फिर एक स्टेप बढ़कर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन दोनों लाइन का निकाल लीजिए L1 L2 L1 M2 और L1 L2, और इस फॉर्मूला को याद रखिए आपको ये सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कंसेप्ट जो कंफ्यूजन होने का जो मेन कारण है स्टूडेंट लोग का कि उनको यही नहीं समझ में आता कि पिछले क्वेश्चन में तो वो दिया था कोऑर्डिनेट्स, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो दे दिया, किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन दे दिया, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए कि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तब आप डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो दे दिया तब भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमारा कंसेप्ट क्या हो गया यहाँ पर से। चलिए इसको अरेंज करते हैं, अगर कॉपी करना होगा तो पॉज करके वीडियो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना फॉर्मूला हो गया,
ये हो गया एल वन ए टू प्लस एल वन ए टू प्लस एल वन ए टू पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए क्या हो गया, ये जीरो होना चाहिए और पैरेलल के लिए रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो के फॉर में अगर थीटा निकालना है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अंडर रूट, यानी पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो का रूट का स्क्वायर और दूसरे लाइन का। तो ये तीन फॉर्मूला अगर आपको याद है और समझते हैं तो आपको किस तरह का प्रॉब्लम्स बनाने में सहायता होगा वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, इन दो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो डायरेक्ट दो लाइन का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, क्या ए दोनों परपेंडिकुलर है या दोनों पैरेलल है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपका क्या होगा, कोई ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, इसी तरह से x3, y3 और z3। अब पूछा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन के हेल्प से पहला कैसा है कि कोऑर्डिनेट दे दिया है, या फिर प्रत्येक लाइन का डायरेक्शन रेशियो भी दे सकता है या डायरेक्शन कोसाइन भी दे सकता है। अब पूछा जाएगा कि किस तरह का ट्रायंगल है, इक्वल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स है, आइसोस्केल्स में क्या होना चाहिए, दो एंगल सेम होना चाहिए, इक्वल ट्रायंगल तीनों एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इसके बीच में थीटा वन निकालेंगे, फिर इसके बीच में थीटा टू निकालेंगे और इसके बीच में थीटा थ्री निकालेंगे, तो आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है या फिर इक्वल ट्रायंगल है, इसमें कोई भी कंडीशन देकर आपसे थ्री डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आप लोग का थ्री कोऑर्डिनेट ना देकर फिर आपको फोर कोऑर्डिनेट दे दे और पूछा जाए कि इसके बीच में क्या एंगल है, ए बी सी डी, कोलिनियर का भी कंसेप्ट आता है इसमें, कोलिनियर भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग का क्या होगा, ए नंबर से अगर चार कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 और z1, इसी तरह से x2 y2 और z2, x3 y3 और z3, d में क्या है x4 y4 और z4, यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि ये दोनों के बीच में एंगल बताइए क्या है, 90 डिग्री है या नहीं है, पैरेललोग्राम्स है या नहीं, स्क्वायर है या नहीं, रेक्टेंगल है या नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ये कंसेप्ट यानी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कोऑर्डिनेट के हेल्प से आप लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए उम्मीद है कि ये चार फॉर्मूला आप लोग को जो बताए cos थीटा कोसाइन के फॉर्म में, फिर उसका दोनों कंडीशन है कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और नहीं तो डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ है दोनों लाइन का तब भी आप cos थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इनटू अंडर रूट ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर का यूज कर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्लास में किसी एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोग को वो चेक करके बताएगा, हम बताएंगे कि आपका वो लाइन का अगर इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है या डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो हम लोग कैसे दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, यानी जैसा क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 3D में ही।